थोड़ा दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। तो UKPSC की जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है 14 मार्च 2024 को जारी किया गया है, और इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2024 को रखी गई है, रात के 11:59 और 59 सेकंड तक। जो नेट बैंकिंग या पैसा जो प्रशुल्क देने की तिथि है वो 3 अप्रैल 2024 तक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करना तो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच आप कर सकते हैं। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन, इसको देख लीजिए। तो इसमें चलते हैं, कुछ पदों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कितने कैसे पद हैं। तो इसमें डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, इसमें 9 रिक्तियां हैं। फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं उसमें 17 वैकेंसियां हैं। जिला कमांडेंट की, जिला कमांडेंट होमगार्ड गृह विभाग, इसमें 5 वैकेंसियां हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इसमें 1 है। जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग, 1 वैकेंसी है। राज्य कार्य जिला अधिकारी, जिला पंचायत, पंचायती राज विभाग, 1 वैकेंसी है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, इसमें 6 वैकेंसियां हैं। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी, इसमें 58 वैकेंसियां हैं। फिर परिवीक्षा अधिकारी, इसकी 1 वैकेंसी है। वित्त अधिकारी या कोषा अधिकारी वित्त विभाग, ये इसमें 14 वैकेंसियां हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग की है, इसमें 16 वैकेंसियां हैं। राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग, 53 वैकेंसियां हैं। और सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी शहरी विकास विभाग, इसमें 7 वैकेंसियां हैं। तो टोटल 189 वैकेंसियां हैं, इसमें जनरल की 105 है, जनरल की 105 है। इसमें दोस्तों एससी की कितनी है, एससी की 35 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 28 है, और इसमें ईडब्ल्यूएस की भी है 15 वैकेंसियां। तो यही है, इसमें आप देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन। और कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें थोड़ा सा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस, प्री का सिलेबस क्या है उसको देख लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो उसमें देखते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस बेसिकली इसमें दो पेपर होंगे। तो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, 150 अंकों का, और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। अधिकतम 150 अंक होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तृतीय प्रश्न पत्र, इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है, ये सीसैट टाइप का ये होता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का रहेगा और 150 नंबर इसके रहेंगे, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 सेट में पेपर होगा, और ये पेरा में ये पूरी मेंस की प्रक्रिया दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो प्रारंभिक जो विषय होगा या प्री का पेपर होगा जनरल स्टडी का, उसके बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें यूनिट 1 में भारत का इतिहास, संस्कृति व राष्ट्रीय आंदोलन है। इसके साथ ही साथ हमें उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति भी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी यूनिट में भारत एवं विश्व का भूगोल है, उत्तराखंड का भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था है तीसरे यूनिट में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं बहुत सारी, भारत का संविधान है, भारतीय राजनीति है, पूरा मतलब भारत का संविधान है, पंचायती राज है, लोक नीति है, अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर आर्थिक व सामाजिक विकास है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड, 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र ये भी है, भौतिकी, फिजिक्स यानी विज्ञान जागरूकता, इसमें भी समान क्वेश्चन आएंगे। फिर जीवन विज्ञान है, लाइफ साइंस है, वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावलियां हैं, तो ये बात है। और 6वीं यूनिट में करंट अफेयर का है, बेसिकली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं को भी इसमें पूछा जाएगा। तो यही है इसका पूरा। और सेकंड वाला पेपर ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा, 33% इसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो इसका आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है। तो यही है। तो इसमें दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं और आप भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिए, और इसमें लास्ट डेट को देखे रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य न्यूज के साथ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।